नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में। और भाई देख रहे हो ना सामने क्या है, ओला S1 Pro जो कि रास्ते पर बहुत ही कम दिखती है। अभी तक जो है इसकी डिलीवरी प्रॉपर नहीं है, यानी कि अब मिलना शुरू हो गया है, किधर किधर बहुत जगह पर मिल भी जाती है, लेकिन अभी जो है कुछ जो रूरल एरियाज है उसमें भी डिलीवरी का थोड़ा सा इशू चल रहा है। लेकिन ठीक है भाई, आज इस वीडियो में इसका पूरा जो बायोडाटा है वो चेक करेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन प्लस क्या क्या फैसिलिटीज़ कम्फर्टनेस के मामले में कैसी है, सब कुछ देखेंगे भाई। सो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ नीचे का जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो है इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे इसके फीचर्स प्लस इसका बिल्डिंग वगैरह, यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसमें फीचर्स क्या क्या वो देखेंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी की है, अभी इसकी तो इसकी यानी कि मजाक कर रहा भाई, इसके लिए कोई भी की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड डालेंगे तो ये आपकी जो स्कूटर है वो चालू हो जाएगा। सो इस टाइप का इसका इंटरफेस है, यानी कि आपको कोई की संभालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट जो है आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पासवर्ड डालेंगे और जो है गाड़ी जो है आपकी रेडी हो जाएंगे आपको कहीं पर ले जाने के लिए। सो लेट्स गो। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्टर लैंप देखते हैं और एक जो आपका DRL लैंप है वो देखता है। मैंने स्टार्ट की बाइक लेकिन ये चल नहीं रहा है यार, जो उन्होंने बंद करके रखा है वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो स्कूटर तो यार ये आपका जो मेन हेडलैम्प है वो चालू हो जाता है। इसके नीचे आपको जो ओला की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पर जो आपका नंबर प्लेट RTO पासिंग इसके, यानी कि जो RTO के जो रूल्स है इसको पूरी तरीके से लागू होते हैं, यानी कि पूरे अडेप्टेबल है, क्योंकि जो स्पीड है ये 50 अबव जाती है, 50 अबव नहीं वो 100 अबव भी जाती है, लेकिन 50 अबव जितने भी बाइक्स कार्स वगैरह जो भी है स्कूटर वगैरह इलेक्ट्रिक में भी हो उसको RTO के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल है। सो सामने की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओला की ब्रांडिंग मिलती है, आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा फाइबर का है। ये जो है साइड इंडिकेटर से, पूरे जो इंडिकेटर से फुल LED इंडिकेटर से, दोनों साइड पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और जो हेडलैम्प आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, एक जो आपका अपर डिपर का जो सिस्टम है वो चलता है ऐसा कुछ। सामने की तरफ देखेंगे तो भाई एकदम यूनिक सा जो शॉक एब्जॉर्बर है वो आपको मिलता है, यानी कि आपको अपने 99% बाइक्स में देखा होगा कि शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं दो साइड में होते हैं, यानी कि डबल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं सामने की तरफ, लेकिन ये जो है सिंगल शॉक एब्जॉर्बर्स है। अभी इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे क्योंकि कैसा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रोसीजर है, ऑनलाइन इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक मिलता है, यहाँ पर आपको सामने की तरफ से MRF के जो टायर्स है वो मिलते हैं, जैपर N जो आपकी सीरीज है ना उनकी उस टाइप के मिलते हैं, 12 इंच के टायर जो है आपको सामने की तरफ मिलते हैं। डिस्क ब्रेक के साथ आपको यहाँ पर एक सेंसर मिलता है, उस सेंसर का क्या काम है मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊँ जब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने जाएंगे तब। ओके, तो साइड में आएंगे कि साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकदम ऐसा क्यूट सा लुक जो है इस स्कूटर का वो देखने को मिलता है। ये जो लुक है बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक लुक, यानी कि थोड़ा सा स्पेसक्राफ्ट रिलेटेड जो लुक है आपको इस स्कूटर में देखने को मिलता है। थोड़ा सा रियर साइड में आएंगे तो यहाँ पर जो है आपके जो आपका जो फुट स्टेप कहते हैं, यानी कि फुट रेस्ट जो कहते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फुट रेस्ट जो है मेटल के बने हुए मिलने के और जो उनकी जो प्लेसमेंट है वो आपको पूरी जो बॉडी लाइन है, यानी कि बॉडी की जो यानी कि कैसा होता है, बहुत सारे फुट रेस्ट जो है बॉडी के आउटसाइड में रहते हैं ना, इस ये जो फुट रेस्ट है जब आप क्लोज करेंगे तो ये पूरी बॉडी के अंदर जो है चले जाएंगे। सो एक तो डिज़ाइनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखता है, यानी कि अच्छा दिखता है। सो इस टाइप का इंटरफेस आपको साइड में मिलता है। रियर साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो बेसिकली सेटअप होता है वो देखने को मिलता है, एक टेल लैंप, दो इंडिकेटर, साइड का जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो है रिम नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह, और जो साइड यानी कि टेल लैंप जो है वो पूरा LED सेटअप है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर F1 Pro की जो ब्रांडिंग मिलती है उसी के नीचे जो आपका चार्जर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चार्जर है जो है आपको पोर्टेबल चार्जर प्लस दोनों चार्जर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर चार्जिंग लगाने के लिए जगह मिलती है थोड़ी सी, और यहाँ पर जो है आपका सब बोल्ड लुक जो कहते हैं वो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा साइड में आएंगे दूसरी साइड में तो यहाँ पर भी आपको एक फुट स्टेप मिलता है, यहाँ पर जो है आपका मोटर प्लस शॉक एब्जॉर्बर वगैरह का जो सिस्टम वो देखने को मिलता है। रियर साइड में भी आपको जो डिस्क ब्रेक वो आपको मिलता है। शॉक एब्जॉर्बर की प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का थोड़ा सा सस्पेंशन सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इस साइड में देखेंगे तो साइड स्टैंड का भी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि पूरा क्लोज करने के बाद जो है गाड़ी के अंदर इमर्स हो जाता है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा एरोडायनामिक के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखता है।
सॉरी ये थोड़ा सा कीचड़ वगैरह, क्योंकि खेत में गाड़ी जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर आपको मिड साइड में मैट जो है वो कंपनी की ओर से लगे हुए मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा टनल मिलता है, टनल की बात हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा स्टैंड के यानी कि मेन स्टैंड के वो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए, आपको पता ही होगा पैर रखने के लिए थोड़ी जगह मिलती है। ये जो टनल है ना भाई, इसका थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इन्होंने बनाया हुआ है, वो तो जाने दीजिए। तो फीचर्स में बताता हूँ, यहाँ पर आपको दो साइड में दो स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर के अंदर जो है आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलता है कपड़ा वगैरह रखने के लिए। वो यहाँ पर आपको एक हुक मिलता है जिसके थ्रू आप बैग्स वगैरह जो है आप वहाँ पर टांग सकते हो। सो यहाँ पर जो है आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसके अंदर से आप जो है आपका मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह जो है इसको चार्ज कर सकते हो। सो इस टाइप का सिस्टम जो है आपको इसमें मिलता है बेसिकली। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक फुल्ली टच स्क्रीन एक डिस्प्ले मिलता है जो कि पूरा LCD है। और यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, कंट्रोल जो है पूरा बटन फॉर्मेट में। यहाँ पर कोई स्विचेस वगैरह लीवर्स वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता है आपको। सो इस टाइप का इंटरफेस जो है इस मिलता, यानी कि ओला के स्कूटर जिसमें मिलता है। यहाँ पर सीट जो ऑर्डिनरी सीट से उससे तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, क्योंकि बहुत ब्रॉड सीट है। यानी कि अगर आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि चेयर पे बैठे हो, यानी कि कुर्सी वगैरह पे बैठे हो। सो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको इसमें मिलता है। मेटल की बात करेंगे तो मेटल से आपको जो मडगार्ड है इसमें मिलता है, यानी कि अलॉय व्हील्स मिलते हैं, मेटल का मडगार्ड मिलता है, फुट रेस्ट साइड स्टैंड ये वो आपको मेटल के मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ये भी प्लास्टिक का है पूरा। सो इस टाइप का इंटरफेस जो आपको यहाँ पर मिलता है, दोनों साइड में आपको दोनों जो आपके साइड मिरर्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ इसका पूरा ओवरऑल जो इंटरफेस है, यानी कि जो एक्सटीरियर मैंने आपको बताया वो है। सीट की भी तो मैंने आपको बात बता दी, सब कुछ ऐसा क्लियर कर है। अब हम बात करेंगे बूट स्पेस की। तो यहाँ पर बूट स्पेस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है उसके अंदर वो फंक्शन मिलता है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो बूट है आपका वो ओपन हो जाएगा। एक वन मिनट है, ट्रंक क्लोज है, इधर क्लोज बटन दबाया तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो बूट जो है वो मिलता है। बूट की बात करेंगे तो भाई इतना ह्यूज बूट मैंने, यानी कि इतना बड़ा बूट स्पेस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दो हेलमेट इसमें आराम से आ जाते, अभी जो गाड़ी नई है तो दैट से थोड़ा सा कचरा वगैरह इसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है ओला के रिलेटेड, टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ चीज़ें सब। यहाँ पर थोड़ा सा एक फर्स्ट एड किट बॉक्स मिलता है, टूल किट मिलता है छोटा सा, और यहाँ पर जो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जब आप बूट ओपन करोगे क्लोज करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नॉइज जो है, एकदम प्यारा सा नॉइज जो आपको सुनाई देगा। इंडिकेटर जब आप साइड वाइज चालू करोगे तो भी आपको एक छोटा सा नॉइज जो है वो देखने को, मतलब कि सुनने को जो है मिलेगा। तो इस टाइप का जो इंटरफेस, यानी कि इस तरह के फीचर जो इस बाइक यानी कि स्कूटर में है। सो अब हम बात करेंगे इसके मेन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी। सो यहाँ पर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। सॉरी अभी थोड़ा सा ये थोड़ा डार्क है, मैं इसको है ना अभी थोड़ा सा ये करता हूँ, यानी कि ब्राइट करता हूँ। सो उसके लिए मुझे जो है साइड स्टैंड को ऊपर करना होगा। साइड स्टैंड ऊपर करने के बाद जो है आपकी जो स्कूटर है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको स्कूटर जो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पार्किंग मोड में है, मैं इसको है ना एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डे लाइट में कर देता हूँ, ओके, और ब्राइटनेस जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, सो इस टाइप का डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा LCD पैनल है यहाँ पर। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चालू करोगे तो यहाँ पर पार्किंग जो साइन वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है प्ले म्यूज़िक, अभी ये जो बेटा का जो वर्जन आएगा 2.0 उसके अंदर जो प्ले म्यूज़िक, यानी कि अभी आपको गाने भी सुनने मिलेंगे इस स्कूटर में। यहाँ पर जो है आप कितना किलोमीटर चल रहे हो ऑल टाइम, यानी कि आपको ओडोमीटर वो देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको ट्रंक ओपन करने के लिए वो बटन जो मैंने आपको बताया, स्क्रीन टच है पूरा वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, यहाँ पर आपका टाइम रियल टाइम कितना टाइम चल रहा है उसके साथ। यहाँ पर एक बार साइड में स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक जो सेटिंग वो देखने को मिलती है, यानी कि डिस्प्ले सेटिंग, पासपोर्ट सेटिंग, अबाउट ऑल सेटिंग, यानी कि जो इसका ताम झाम है वो देखने को मिलता है। यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर बैटरी का जो स्टेटस है वो देखने को मिलता है, 66% बैटरी, टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल, फोर्ड, हाइपर मोड में कितना किलोमीटर जाएगी, प्लस टुडे राइडिंग, यानी कि आज दिन भर में आपने कितनी गाड़ी चलाई, एवरेज स्पीड क्या था, टॉप स्पीड क्या था,
और यहाँ पर जो नेट टेक्निकल हेल्प के लिए यहाँ पर जो नंबर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर जो आपको मैं बटन्स की बात बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको ड्राइवर की जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको 5 बटन मिलते हैं। उसमें से जो पहला बटन है आपका वो करता है हेडलाइट का कंट्रोल, दूसरा बटन जो आपका रिवर्स का जो गियर है वो एक्टिवेट करता है, और नीचे के जो बटन है वो आपको हॉर्न प्लस दो इंडिकेटर के जो बटन है वो देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर आप जब चालू करोगे तो कुछ इस टाइप का आवाज़ आता है, इस टाइप का। और दूसरी साइड में जो है आपका पावर मोड, यानी कि मोड जो चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, और यहाँ पर जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूज़िक जो आपका सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए बटन मिलते हैं। वो तो अभी इसमें नहीं इम्प्लीमेंट, वो बेटा का जो वर्जन आएगा दूसरा उसमें जो आपको प्ले म्यूज़िक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर था वो मैंने आपको बता दिया पूरा। इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है, जब आप ब्रेक लगाओगे ना, यानी कि अगर आप हाई स्पीड पर थोड़ा सा ब्रेक को अभी टच किया तो आपका जो स्कूटर है वो एक्सलेट नहीं होगा, ये एक फीचर जो मैंने बताना भूल गया था। तो इस टाइप का इंटरफेस इसमें मिलता है आपको। रियर और फ्रंट साइड में 12 इंच के जो टायर मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस है, और अलॉय पूरा सिस्टम है, यानी कि अलॉय जो डिस्क है वो आपको देखने को मिलते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो फ्यूल टाइप आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इसका फ्यूल है। मैक्स पावर जो है वो है 8500 वैट, रेटेड पावर जो है इसकी 5500 वैट। मैक्सिमम टॉर्क यानी कि जो टॉर्क कितना प्रोड्यूस करती रहता है कि आपको 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ट्रांसमिशन का कोई गियर वगैरह इसमें नहीं आते। राइडिंग रेंज, अभी ये राइडिंग रेंज वेरी करती है आप कौन से मोड पर चल रहे हैं। अब जो इको मोड आ रहा है दूसरे, उसमें तो आपको 160 की जो रेंज है वो देखने को मिलती है, लेकिन अभी इसकी क्लेम रेंज है 135 किलोमीटर की, और टॉप स्पीड जो है इसका 115 किलोमीटर पर आवर का इसका टॉप स्पीड जो है इसमें मिलता है। बैटरी का चार्जिंग टाइम जो है वो मिलता है आपको 6.5 घंटे, यानी कि 6.5 घंटे में जो बैटरी आपकी वो 0 to 100 वो पूरी तरीके से जो है चार्ज हो जाती है। प्लस इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है ये है 3.97 किलोवाट की, इसमें बैटरी बैकअप मिलता है। बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो आपका जो कर्व देख रहे हैं ना इंटरनल, इसके अंदर जो है इसका बैटरी पैक जो है वो आपको इंस्टॉलेड मिलेगा, और जो मोटर है वो रियर साइड में आपको जो है फिटिंग में मिलेगी। और जो सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको अलग टाइप की सस्पेंशन है भाई इसके, जो बेसिकली क्या है बताया कि सस्पेंशन है ना इसके हॉरिजॉन्टल लेवल में पोजिशन है, और हम रियर साइड में डिस्क ब्रेक मिलती है वो भी तो मैंने आपको बता ही दिया। प्लस फ्रंट साइड में जो है आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यूएसबी चार्जर, प्लस जो बेसिक फैसिलिटी वो सभी मिलती है। और हाँ, अभी इसकी क्वालिटी की बात करेंगे ना, क्वालिटी तो एवरेज लगी मुझे। एथर प्लस जो बाकी के जो ब्रांड्स है, यानी कि एथर भी इसको कम्पीट करने के लिए एक ब्रांड एथर ही है जो कि इसको कम्पीट करता है। सो एथर की बात करेंगे तो एथर से तो क्वालिटी की वाइज तो ठीक ठाक है, यानी कि अभी जो है थोड़ा सा R&D पर इसके थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। ओके ठीक है, तो आज के स्टूडियो में बस इतना ही। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी भी मुझे लग रहे, सो यहाँ पर आपको आई बटन में एक कार्ड आ रहा होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसमें मैंने जो इसके प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन की है, यानी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है अभी भी मुझे लग रहे। तो बस आज की स्टूडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।